नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। बहुत हुआ डीजल पेट्रोल का मार, अब की बार मोदी सरकार। कुछ यही वादों के साथ बीजेपी ने 2014 में अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन जिस तरीके से देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार इजाफा हो रहा है, उससे आम जनता के बजट पर क्या कुछ असर पड़ रहा है, आइए हम उनसे ही जानते हैं। मेरी राय है कि एकदम नहीं बढ़ना चाहिए। एक तो कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से तो हम लोग की आर्थिक परिस्थिति एकदम खराब हो गया है। और LPG का भी दाम आप देख रही जैसे बढ़ रहा है, तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है? नहीं बढ़ना चाहिए, यही कहना है, एकदम नहीं बढ़ना चाहिए। एक तो एकदम खराब स्थिति है, उस पर से सरकार को कुछ भी पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत ही असर पड़ रहा है सर, बहुत ही हर चीज़ पे भी हम लोग को तो बहुत दिक्कत हो गया। अभी घर भी नहीं चल पाता है, अभी आए आधा घंटा से ऊपर जाम में फंस के, तेल जला पैसा तो वही दे रहा है लोग, कितना से झंझट करेंगे। डीजल सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा जी, सरकार तो खाली कहती है, हो तो नहीं रहा। पहले भी इसके पहले भी दाम भी घटा था, फिर भी पैसा ले ही जा रहा था। आप लोग ने किराया भी बढ़ा दिया है क्या? बढ़ाए, लेकिन सर हम लोग क्या करें, लेकिन उसके बाद भी पैसा नहीं मिलता, जो देते रख लेते हैं। अब तो उम्र हो गया, मार तो करने नहीं जाएंगे पैसेंजर से, जो दिया रख लिए। उम्मीद है सरकार से? कोई उम्मीद नहीं। केस हुआ था DM का 30% बढ़ाने का, और कल से माने वो कहीं थे कि मंगलवार से ही ये माने हो जाएगा चालू, अभी तक कोई गुंजाइश नहीं है, ना अभी तक कोई खोज खबर है। यूनियन भाड़ा बढ़ा दिया, पैसेंजर से झगड़ा तो करेंगे नहीं। अभी मेरे पास कटिंग भी है उसका, अभी हम कटिंग आपको दिखलाते हैं। 15 फरवरी का जो आदेश था और डीजल के दाम से बढ़ने से आपके बजट पर क्या असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा पड़ा है, ऐसे 100 का मतलब ले लेते थे तो चलता था 2 दिन, अब 1 दिन भी नहीं चलता है, काफ़ी महंगा है। तो घर से भी अब सरकार से क्या कुछ बोलना चाहेंगे? कम करने बोलना चाहेंगे, और क्या, कमी करने बोलना चाहेंगे। ऐसे बढ़ना गलत तो नहीं है, क्योंकि अब कोविड में सरकार बहुत ज़्यादा खर्चा की है, तो वो उसको मैनेज करने के लिए बढ़ा रही है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत। जैसे देश में पेट्रोल महंगा हो जाए लेंगे, क्या चीज़ पेट्रोल महंगा हो जाए फिर भी लेंगे? अभी तो ले रहे हैं, अभी हम लोग एकदम नेसेसरी है, स्कूल आना इसलिए ले रहे हैं, अगर ऐसे मतलब स्कूल वूल नहीं रहे तो नहीं लेंगे। अभी मतलब एकदम अर्जेंट है, स्कूल आना, एग्जाम चल रहा है तो लेना पड़ता है, ऐसे नहीं लेंगे। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, PM बढ़िया काम कर रहे हैं मानते हैं? 50-50 मर्जी है, सरकार टैक्स बढ़ा रही है, और तो टैक्स जब बढ़ रहा है तो दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आम जनता के बजट पर बहुत असर पड़ रहा है। आम जनता का तो ये है कि गाड़ियाँ कम हो गई है चलना, जो 4-4 व्हीलर पे चलते थे वो 2 व्हीलर पर हैं। लेकिन जो सरकार वादे किया करती थी, अब वो सारे वादे धुंधले पड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये कहीं डेवलपमेंट अगर किसी जगह होता है, किसी कंट्री में, किसी प्रदेश में, देश में, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बढ़ोतरी होता ही है। इसलिए ये कहना गलत है कि तेल का दाम बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है, देश के उन्नति में जा रहा है। लेकिन आम जनता के पॉकेट पर इससे बहुत असर पड़ रहा है, ये तो सहना पड़ेगा आम जनता को। ऐसा नहीं है ये जो बढ़ी हुई दाम कीमत है, ये घटेगा। अभी बढ़ रहा है, वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है, तो आपके कंट्री में बढ़ रहा है तो कौन खराब बात है। बहुत परेशानी हो गया, बहुत ज़्यादा परेशानी। जिस उम्मीद के साथ हम लोग 2014 में मोदी जी को वोट दिए थे, जितने हिसाब से आगे जाके हर हर मोदी, घर घर मोदी, और ये जो होर्डिंग लगा रखा है चारों तरफ, इसको पहले उखाड़ने की ज़रूरत है। एकदम चेहरा हो गया मोदी जी को, सरकार से कुछ उम्मीद नहीं, कुछ उम्मीद नहीं है, एकदम निकम्मा है, खाली जाति मजहब के पीछे पड़ा हुआ है, खाली लड़वाना है सबको, यही पीछे पड़ा हुआ है। इसको पेट्रोल डीजल गैस 2 महीना में 200 रुपया पेट्रोल का, ये गैस का दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल 100 रुपये हो गया। अभी तो देश हित में है, देश हित में तो 2014 से पहले भी देश हित में था। कच्चे तेल का कीमत 2014 में जो था, सरकार 3 रुपया टैक्स लगाता था डीजल पर, और ये क्या बोलते हैं 7-8 रुपया पेट्रोल पर, अभी 30 रुपया से ऊपर टैक्स लग रहा है। केवल टैक्स बढ़ा के इन लोगों ने जनता को लूटने का काम कर रहे हैं मोदी जी। लेकिन सिर्फ देश में नहीं, अरब कंट्रीज में भी दामों में वृद्धि हो रही है भैया। पाकिस्तान में कैसे है पेट्रोल, आपको पता है 49 रुपये है ना, आपके यहाँ से खरीद के नेपाल कैसे बेच रहा है। बजट पर क्या कुछ असर पड़ रहा है? बहुत पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक तो लॉकडाउन था, और लॉकडाउन के बाद
जो हम लोग घर बैठ के खा रहे थे और कुछ काम हो नहीं पा रहा था, और ये पेट्रोल का दाम बढ़ता ही जा रहा है। और अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको हम लोग के बारे में सोचना चाहिए। बोलते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं लेकिन पेट्रोल और डीजल का दाम खड़े नहीं उतरते हैं पा रहे हैं। हर चीज़ का दाम बढ़ते जा रहा है, जो पहले कभी उतना बढ़ा नहीं था, वो जो अभी तक हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे वो हम लोग को दिखा रहे हैं आज के समय में। ये तो आपने देखा जनता के मतलब मन में आक्रोश भरा हुआ है। हर कोई बस यही सवाल पूछ रहा है सरकार से कि जो वादे किए थे सरकार ने, जो वादे किए थे मोदी सरकार ने 2014 में सरकार बनाने से पहले, आखिर वो वादा कब निभाएगी सरकार। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ।